एहसास। हरियाणा के रसूली गांव में जब हमने वहां के पुरुषों से बात की तो उन्होंने ये माना कि बढ़ती हुई महंगाई, मोटा दहेज और लड़कियों की सुरक्षा, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आज हरियाणा में लड़कियां बोझ मानी जा रही हैं। आज हालत ये हो गई है कि लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। हरियाणा ज़िले के हर गांव के हर घर की एक कहानी है कि यहाँ लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, या लड़कों की शादी जो उनकी उम्र होने चाहिए उस उम्र से ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ लड़कियों की संख्या में भारी कमी है। कुछ एज जो बच्चों की जो एज है लड़कों की, वो 2-3 साल फालतू जा रही है, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो निकटता जा रहा है लिंग अनुपात के कारण। यहाँ पर जब लड़की की शादी की जाती है तो दहेज भाई साहब कह रहे हैं 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख से बात नहीं बनती, बात बनती है 10-15 लाख से। मैं तो ये नहीं चाहता कि लड़कियाँ कम हो, मैं तो लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा देता हूँ, न कि लड़कों को। अगर किसी घर में 2 लड़कियाँ हो जाएँ तो वो सोचती कि लड़का तो होना ज़रूरी है, लड़की है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आज के टाइम में किसी का लड़का हो गया, दूसरे बच्चा पैदा ही नहीं करता कि कहीं लड़की ना हो जाए। ऐसी स्थिति में यहाँ के लड़कों की शादी कैसे होगी, यह एक बड़ा सवाल है। सबसे मेन बात लड़कियों की यही है, सबसे बात लड़की की सिक्योरिटी कोई नहीं है यहाँ, नहीं नज़दीक से एजुकेशन होती है, जो बाहर गालते हैं तो हमने उसको इज्जत का डर रहता है बच्चों की। उनकी सबसे बड़ी सोच है लड़की को आज पैदा कर रहे हैं हम, उसके लिए कहाँ से खर्चा लाएंगे, खुद पेट नहीं भर सकते, और अगर दिन टाइम पे पास कर देते हैं। ऐसा जी, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैंने 3 बच्चों की शादी की है और 3 की 1 रुपए में शादी की है, ना दिया है ना लिया है। बेरोजगारी की वजह से हम लड़की घटा रहे हैं, हर आदमी ने सोच भी बदलनी पड़ेगी। तो सबके लिए आज मैं ले रहा हूँ तो कल मैंने देना ही पड़ेगा, ये सोचना चाहिए ना। मैंने शुरू से ये हम मानते आए हैं कि हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और इस समाज में पुरुषों की चलती रही है एक परिवार में, एक गांव में। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो आंकड़े हैं कि हरियाणा में या रेवाड़ी, हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में 1000 लड़कों के सामने में लड़कियों की संख्या 650 रह गई है। महंगाई बढ़ रही है, एक लड़का होगा तो महंगाई की वजह से बस एक ही बहुत हमारा, नहीं पढ़ाया जाएगा नहीं लिखा जाएगा, ये महंगाई क्यों ना घटवाओ, फिर लड़की तो आप ही कर लेगी सब। लड़की भी होनी चाहिए लड़का भी, लेकिन ज़्यादा लड़की लड़की हो जाए तो बता महंगाई में ब्याह भी कट्ठे जाए, इसी ये सोच कर जब आगे औरत नहीं कदम उठाती। जाँच करने के लिए दोनों की सलाह बराबर होती है, जेंट्स की भी उतनी होती है लेडीज की भी उतनी होती है, लेडीज मना कर दे तो जेंट्स टाल कर सकते हैं। जो अल्ट्रासाउंड तकनीक आई है, अल्ट्रासाउंड तकनीक की वजह से लड़कियों की संख्या में कमी आई है। मैंने मना कर दिया, अभी जहाँ तक इंतजार हम कर सकते हैं वहाँ तक तो करो, एक लड़की ना दूसरी होगी कोई बात नहीं, उसको भी अधिकार है समाज में आने का। ये तकनीक सिर्फ एक बच्चे को स्वस्थ देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका हम उल्टा उपयोग कर रहे हैं। बार पढ़ान भेज दिया तो उनका दिंग जाए इसी पद्धर करण गई पढ़न लियांगी तनख्वाह, बड़ी कॉलेज जाम पढ़े काम, बड़ी मास्टर नहीं बनी, बड़ी कुर्सियाँ पे बैठी जी, के लड़ाई लड़ा बताई गामड़ा में, सब की सुननी पड़े ऐसे जी। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर जुल्म करने वाला एक वो है तो जुल्म सहना भी तो एक पापी है। इस सृष्टि को जनने वाली जब एक औरत है, सबको पता है ये सृष्टि औरत के बिना नहीं चल सकती, एक परिवार औरत के बिना नहीं चल सकता, एक समाज औरत के बिना नहीं चल सकता, और फिर भी हम उस औरत को सबसे पीछे रख रहे हैं। आज चेतने से पहले अगर हमने शुरू से इस चीज़ को देखा होता कि भगवान ने जब स्त्री पुरुष बराबर बनाए हैं, महिला और पुरुष बराबर बनाए हैं, तो हमारी क्या हक है किसी को इस संसार में आने से पहले मिटाने का। पुरुषों की लड़ाई नहीं है, अगर हमें अधिकार है, हम भी किसी की लड़की है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, तो हमें उसको भी सोचना चाहिए, आगे बढ़ाना है। पहले
पहले जो 40 दिन का बच्चा पेट में रहता है तो आंगनबाड़ी में इनका वो नाम लिखा जाता है, तो वहीं से संपर्क होना चाहिए कि नाम लिखा है तो इसका होगा 3 महीने का 4 महीने का बच्चा, तो वो कहाँ गया। नारी में इतनी शक्ति है समाज को हला दी, तो नारी तो जब होना एक तो दो बली दो तो तीन बली, मैं आवाज़ ही नहीं दूंगी तो मेरा साथ कौन देगी। अगर कोई कह सके, कोई बहन मेरे को प्रेशर डाल रहा है, कोई ससुर है, कोई सास है, अगर मेरे साथ मैं तो सफाई करवाना ना चाहती रही, मेरे करवा रहे जबरदस्ती, तो हम उसको कर सकते हैं। हमारा समाज है उसने शुरू से महिला को दबाना सिखाया, तो वो तो शुरू से उसको तो ये सिखाया कि जन्म लेती है तो उसको बाप का सहारा चाहिए, जवान होती है तो पति का सहारा चाहिए, और बुढ़ापे में बेटा का सहारा चाहिए, क्योंकि समाज इस चीज को वो ही नहीं कर पा रहा आज की, भाई हमें औरत बिना लड़के की उसकी कोई समाज में मान्यता है, उसको जरा सा फिर दबाया जाता है, घर में डेली प्रेशर बनाया जाता है, वो उसी प्रेशर में दब जाती है। आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग करते भी देर नहीं लगती। अल्ट्रासाउंड ऐसी ही एक तकनीक है जिसका दुरुपयोग यहाँ पर खूब हो रहा है। लड़कियाँ कोख में मारी जा रही हैं। लगता है कि जैसे सारे उपाय धराशायी हो गए हैं। बेटा चाहिए या बेटी, बहस जारी है। जबकि बेटियों की गिनती में गिरावट आ रही है, ये कोई अनोखी घटना नहीं है। पैतृक समाज का चेहरा आज भी जिंदा है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें सारे नियम कानून को तार तार कर रही हैं। शहर रिवाड़ी को लें, 52 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं। धड़ल्ले से बच्चों के लिंग की जांच हो रही है। तकनीक अच्छी है, ह्यूमन बीइंग के लिए, डिजीज के लिए बहुत बढ़िया काम है। जब ये इसमें यूज होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़का लड़की पता लग जाए तो वो क्या करते हैं, उसका अबॉर्शन करवाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ सेक्स रेशियो में दिक्कत आती है। ये परीक्षण गैर कानूनी है। एक्ट 1994 के तहत जन्म के पूर्व लिंग परीक्षण में सजा का प्रावधान है, जबकि किसी को कानून की परवाह नहीं है। लड़कियों को बचाना चाहते हैं जो करना होता है। हमने रोटरी क्लब वालों से संपर्क किया, हमने ये दैनिक भास्कर हमारे जो न्यूज़पेपर है उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया हुआ, कन्या भ्रूण हत्या पर हम उनसे मिले, हमने सेमिनार्स किए काफ़ी जगह, जो मुजीज आदमी हैं, जो रेवाड़ी के जो मेन मेन पर्सन हैं उनको बुलाया गया। मेरी भी खुद एक बेटी है और हम पति पत्नी ने ही ऐसा निर्णय लिया था कि हम एक ही संतान रखेंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, और हमारे पास एक बेटी है और आज वो MBBS कर रही है। काफी प्रयास के बावजूद ये कुरीतियां जिंदा है। वक्त आ गया है लड़कियां भी सवाल पूछें। एक ही परिवार में बेटे बेटियों में अंतर आखिर कब तक? रेवाड़ी शहर में एक मुग्धा भी हैं। मुग्धा अपने पिता की अकेली संतान हैं। घर में और ससुराल में दोनों जगह उन्होंने खूब खुशियां बांटी हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। ये मुग्धा यादव है, रेवाड़ी के ढालियावास गांव में रहती है। मुग्धा पिता की अकेली संतान है। परिवार ने बेटे बेटियों में फर्क नहीं समझा, बच्चों को होनहार बनाया। आज मुग्धा रेवाड़ी में विधि एवं परिवीक्षा अधिकारी है। मेरे पापा सिर्फ एक बच्चा चाहते थे और मतलब मैं लड़की पैदा हो गई तो उनके मन में मतलब ये नहीं था कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। ठीक है, उन्होंने मुझे बिल्कुल लड़के की तरह रखा, सारी वो एजुकेशन दी जो एक लड़के को दी जाती है उन्होंने मुझे, मतलब वो ये चाहते थे कि ये वेल सेटल्ड हो। समाज की रूढ़ियों को तोड़ने में मुग्धा ने मिसाल पेश की। घर के बाहर हॉस्टल में पढ़ाई पूरी की, पर्दे घूंघट से दूर रही। हम तो कहते हैं हम तो बेटी गाल रखा हमने, हमें तो उम्र शुरू से ही नहीं निकलवाया। मेरी सिस्टर इन लोग की जब एंगेजमेंट हुई थी तो शादी नहीं होती तब तक लड़की को बुलाते नहीं है घर पे, तो मेरी सिस्टर इन लोग की एंगेजमेंट में मेरे को बुलाया गया था तो मैं मतलब ऐसे ही आ गई थी। घर से ससुराल बिना दहेज लिए गई, ये वही समाज है जहाँ बेटियाँ दहेज के कारण कोख में मारी जाती है। अरे बहुत दर्द है हमारे पास। लेकिन आपके समाज में तो ऐसा चल रहा है? समाज में तो चल रहा है, आप अपनी सोच है, हमने तो नहीं लिया था। मेरे पापा अगर दहेज में देना चाहते तो बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन मैंने यही कि मैंने अपने पापा को मना किया
कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तो पापा ने मुझे सिर्फ बेड और अलमीरा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। दहेज में मैं जान करके नहीं लेके आई। ससुराल वालों ने बड़ा दिल दिखाया, बहू और बेटी समान हो गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खेड़ा के गांव पर पंचायत हैं रामेश्वर दयाल। रामेश्वर दयाल की 6 लड़कियां हैं और इन 6 लड़कियों में 3 आज सरकारी नौकरियां कर रही हैं। रामेश्वर दयाल जी एक ऐसा एग्जाम्पल हैं, एक ऐसा उदाहरण है जो ये मानते हैं कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि लड़कियां मेरी एक ऐसी धरोहर हैं जिन्हें मैं ताउम्र सीने से लगाकर रखना चाहता हूं। रामेश्वर दयाल खेड़ा गांव के सरपंच हैं। रामेश्वर को 6 बेटियां हैं, 3 बेटी सरकारी नौकरी में हैं। रामेश्वर कहते हैं बेटे से तो बेटियां बेहतर होती हैं। कोई फर्क नहीं है लड़के और लड़की में, क्यों लड़कियां हैं वो बल्कि लड़के से बढ़िया कामयाब हो रही हैं और ज्यादा फेसफुल है लड़कियां। रामेश्वर दयाल साल 1973 के पीजी हैं। बच्चों में भी ऐसा संस्कार गढ़ा कि सभी बच्चे पीजी हैं, नहीं समझते फर्क बेटे और बेटियों में। दिमाग में बात नहीं है कि हमारे लड़का नहीं है। फैमिली इतनी अच्छी है तो ऐसा महसूस नहीं होता कभी। दीदी हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, जीजा जी हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, तो हमें तो नहीं लगता ऐसा। रामेश्वर दयाल ये जरूर मानते हैं कि यहाँ हर गाँव में दुल्हन खरीदी जाती है जबकि कोख में बेटियां मारी जाती हैं। तो कैसा लगा आपको आज का एहसास, हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, कॉपरनिकस मार्ग, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। तो फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर।